गाइस पुंटो की किस्मत ना कुछ ज्यादा ही बढ़िया चल रही है। वो एक नहीं दो बारी मनाली हो आई है, लेकिन मैं नहीं गया था, मेरी सिस्टर लेके गई थी गाड़ी को मनाली। एंड तब से जैसे वो रिटर्न आया तब से गाड़ी खड़ी है एंड इसकी बैंड बज चुकी है, आप लोग देख ही रहे हो 15 दिन से गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। एंड उसके बाद मनाली में आप लोगों को पता ही है कैसा हाल होता है। तो कोशिश करते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करने की, एंड अगर स्टार्ट हो गई तो इसके अंदर का सारा कचरा जो भी अंदर पड़ा हुआ है आपको दिखाता हूँ मैं। वैसे तो उतना बुरा हाल अभी कैमरा में दिख नहीं रहा, और पहले एक बार गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। एंड अगर ये स्टार्ट हो गई तो इसको लेके चलेंगे, पहले धुलवाएंगे एंड उसके बाद उसको करेंगे ज़रा व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। तो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले इग्निशन तो आ गया जी, गियर है न्यूट्रल पे, लेट्स सी कि क्या होता है। अरे वाह, दैट्स पुंटो फॉर यू। 15-16 दिन से खड़ी है एंड उसके बाद ठंड में बैटरी भी आपको पता है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन कार स्टार्टेड बाय एब्सोल्युटली नो ड्रामा। सो ज़रा इसको स्टार्ट रहने देते हैं, अंदर देखते हैं कि कुछ सामान वामान है निकालने लायक। जैसे यहाँ पे एक बॉटल दिख रही है मुझे एंड डिक्की भी देख लेते हैं, डिक्की में कुछ पड़ा होगा तो वो सारा निकालते हैं एंड चलते हैं। धुलवाई प्लस अलाइनमेंट प्लस बैलेंसिंग, बहुत ही बढ़िया काम होगा आज। गलती मत करना, पता नहीं कैसा अजीब सा मुझे फील हो रहा है फिलहाल गाड़ी चलाते हुए। ब्रेक्स भी थोड़े स्पंजी से हो रहे हैं एंड स्टेयरिंग भी थोड़ा, मुझे लगता है टायर्स में हवा भी नहीं बनी। 20 दिन बाद गाड़ी चला रहा हूँ भाई साहब, 20 दिन में बहुत कुछ हो जाता है तो मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अभी आज सारा कुछ फिट होगा इसका, खाली अलाइनमेंट बैलेंसिंग ही नहीं, बहुत सारी चीजें और लग रहा, हवा नहीं है शायद टायर्स में, तो वो पेट्रोल पंप ही भरवाते हैं अभी। जरा बाहर का व्यू कुछ ऐसा है कि जैसे बहुत ही ज्यादा वाली धुंध पड़ी हो, बस ऐसा है नहीं, शीशे की ही बैंड बजी हुई है, ये शीशा ही बहुत गंदा है, बाकी विजिबिलिटी बाहर एकदम क्लियर है। चलो फॉग के मजे ले लेते हैं बिना फॉग के, कूल ना। हेलो जी सरकार, पहुंच गए हैं वॉशिंग सेंटर पे, ये हमारा घर से सबसे नियरेस्ट है, 300 रुपए लगेंगे आज, पूरी गाड़ी अंदर बाहर से साफ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई फोर व्हीलर हो गई सर जो, उसके बाद आई थिंक दो गाड़ियाँ और खड़ी है यार, टाइम बहुत लगने वाला है क्या ही। Alrighty guys, पूरी कार तो वॉश हो चुकी है अंदर से, जो कि है बहुत बढ़िया बात। सिंपल इन एंड आउट जॉब होना चाहिए था ये, हार्डली आधा पौना घंटा लगना चाहिए था, बट अब गाइस बज रहे हैं 4:15 और मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे 1:30 बजे का। अब सोच रहे हो 1:30 कैसे, इतनी देर कैसे लग गई, पहले 2-3 गाड़ियां आ गई थी कोई बात नहीं, उसके बाद लंच टाइम हो गया कोई बात नहीं। क्या करें, चलो फिर
मेन काम जो है आज का व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट और टायरों में हवा वो करवाने की प्रोसेस स्टार्ट करें। गाइस एक और डोंट बी लाइक मी वाली चीज बता दूं आपको, आप यह किलोमीटर्स देख रहे हो 63,383, लास्ट इसका व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट पता कब हुआ था, जब गाइस नवे टायर लगे थे जो कि था 54,000 पे। सो डोंट बी लाइक मी ऑन दैट, 5,000 से 7,000 के बीच में करवा लेना, इतना टाइम मत डालना व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट में, इट्स काइंड ऑफ रूटीन मेंटेनेंस थिंग। लो जी गाइस पहुंच गए हैं शालीमार बाग, जहां पे है सिटी कार शॉपी, जहां से मैं प्राइमरीली अपने सारे व्हीकल्स का अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग करवाता हूं। एंड अपाचे के लिए गाइस फ्रंट टायर भी मैंने यहीं से लिया था एंड दे ऑलवेज डू अ फैंटास्टिक जॉब। सो ये आ गई है अपनी पुंटो नहा धो के, बहुत ही ऑसम लग रही है। अब बताओ आपको कैसी लग रही है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यार। सो सबसे पहला काम इसका गाइस होना है व्हील बैलेंसिंग का एंड रोटेशन का। सो ये हो चुका है वो भी स्टार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से एंड बहुत ही सही काम हुआ है यहाँ पे, नो इश्यूज। एंड कैसी लग रही है पुंटो बिना टायर्स के, बहुत ही अजीब लगती है राइट? सारी गाड़ियां अजीब लगती हैं। सो ये आ गए बैलेंस होके टायर्स। अब मैं सोच रहा हूँ कि रियर ड्रम्स को भी पेंट करवा दिया जाए यार। सो ये गाइस टायर लग गए हैं यहाँ पे इसके रोटेट होके। सो अब बारी है अलाइनमेंट की। सो अब ये पुंटो को यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है जहाँ पे होना है इसका अलाइनमेंट। सो उसके अंदर बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, वैसे तो आप सब कार ओनर्स हो तो आप सबको पता ही है, इट्स अ रूटीन मेंटेनेंस थिंग। बस कार को इसके जो भी ये रैम्प्स है यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए बनाया होता है वहाँ पे गाड़ी को रखना होता है। एंड फिर कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जो कि चारों के चारों टायर्स पे लगा दी जाएगी। एंड उसके बाद ये सिग्नल्स भेजेंगे, ये जो रॉड्स हैं ये वायरलेस मशीन्स हैं यहाँ पर। सो ये सिग्नल्स भेजते हैं एंड उसके बाद नीचे से लड़के जाके एडजस्टमेंट कर देते हैं एंड काम कंप्लीट हो जाता है। सो ये काम कंप्लीट हो गया एंड अब गाड़ी गई है रोड टेस्ट पे। एंड रोड टेस्ट होते ही मुझे मिल गया इसका रिपोर्ट एंड उसमें ऑलमोस्ट जो भी वहाँ पे वैल्यूज आ रही थी वो सारी की सारी आ गई। सो एवरीथिंग इज डन नाउ। अब जरा मैं भी गाइस गाड़ी चला के देख लूँ। सीरियसली गाइस डे एंड नाइट का डिफरेंस है, डे एंड नाइट का। लो जी अलाइनमेंट बैलेंसिंग एंड टायर रोटेशन हैज बीन डन। अब गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, मतलब एक तरह की साफ हो गई। पहले तो इसका एक सत्यानाश था वो रखा था, लेकिन अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोथ आर वेरी क्लीन एंड अब गाड़ी अच्छी चल रही है, सीधी चल रही है। मतलब सीधी तो पहले भी चल रही थी, अलाइनमेंट ऐसा इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स भी आउट तो होता नहीं। एंड अभी मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ उसकी एंड उसके बाद शायद वीडियो एंड कर देंगे, अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा यू नो लंबा हो जाएगा वीडियो। वैसे कैसे चल रहा है अभी तक? हाँ फाइनल गाइस पहुँच गया हूँ मैं घर एंड अब सच्ची बात बताऊँ इतनी मन को शांति से मिल रही है ना, क्या ही बताऊँ, गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू हो गई। तो चलो गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।